नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की स्टेटिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 748 की रोल नंबर लिस्ट के बारे में और टोटल कैंडिडेट इसमें कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में आपको मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाने वाली। तो 29 तारीख को ये टेस्ट है 2 बजे से 4 बजे तक, तो इसमें एक थोड़ा सा एरर भी है, पता नहीं शायद वो रोल नंबर में भी होगा जो कि एडमिट कार्ड में कैंडिडेट के या सिर्फ इसमें ही दिया गया है। तो पहले मैं आपको इस एरर के बारे में देखता हूँ। दो रोल कैंडिडेट को एक ही रोल नंबर अलॉट हो गया है, 370 रोल नंबर हो गया अलॉट हो गया है, तो आप वो देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं बाद में आपको बताऊँगा कि इसमें टोटल कितने कैंडिडेट को रोल नंबर अलॉट हुआ है। और अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इस पीडीएफ फाइल को ले सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे 378 रोल नंबर है, यहाँ पे देखिए 378 रोल नंबर है, यहाँ पे अनु शर्मा है, यहाँ पे अशोक कुमार है, आगे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी दी गई है, फिर विशाखा कंगो है, यहाँ पे देखिए रोल नंबर, एंड में आप देखिए यहाँ पे रोल नंबर देखिए आप 7480003783 78, यहाँ पे दोनों के रोल नंबर है। तो इनका अब एप्लीकेशन आईडी है यहाँ पे नीचे दिया गया, अब ये मिस एरर से शायद यहाँ पे प्रिंटिंग हुई होगी, जो कि पीडीएफ फाइल जब वो प्रिंट कर रहे होंगे तो कंप्यूटर में, या फिर बाद में कंप्यूटर एरर हो सकता है, टाइपो एरर हो सकता है ये, या तो इनके एडमिट कार्ड में भी ऐसा टाइपो एरर आया या नहीं आया, अगर आप वो चेक कर सकते हैं अगर कैंडिडेट का यहाँ पर है और स्टाफ सिलेक्शन में करेक्ट करा सकते हैं इसको। अगर दोनों कैंडिडेट का यही रोल नंबर सेम आया है तो एक ही है तो आप करेक्ट करा सकते हो, पूछ सकते हो, एक बार आप कन्फर्म करा लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन में कॉल कीजिए अपनी अपनी एप्लीकेशन आईडी बता के कि टू कैंडिडेट को ये रोल नंबर अलॉट तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पे हमीरपुर आपका एग्ज़ाम सेंटर है और सेम रोल नंबर आपका आया है, तो आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो ये टाइप एरर है या कुछ है, तो आप यहाँ पर कन्फर्म एक बार करा सकते हो, या इसी में एक टाइप एरर आया या आपके एडमिट कार्ड पर भी ऐसा आ गया है, टाइप हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं और कितनों को रोल नंबर अलॉट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4973 कैंडिडेट को टोटल रोल नंबर अलॉट हुआ है, और यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट है गौरव शर्मा, रमेश्वर दत्त, यहाँ पे शिमला सेंटर, या चार ही जगह पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, जो कि इस बार का ये है आपका स्टैटिकल असिस्टेंट्स पोस्ट कोड 748 का, चार जगह पर हो रहा है, शिमला, मंडी, धर्मशाला और आपका हमीरपुर में हो रहा है, सिर्फ चार जगह पर इसके एग्ज़ाम सेंटर है। और 4973 जो इसमें कैंडिडेट को रोल नंबर अलॉट हुआ है, शायद थोड़े बहुत और कैंडिडेट आ सकते हैं अगर वो कुछ ये कराते हैं, वैसे तो इसी इतने ही कैंडिडेट रहेंगे। और इसमें कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम सकते हैं दे सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 3000 तो वैसे दे ही सकते हैं, बट अब कोरोना वायरस का कुछ ज़्यादा ही चला हुआ आजकल, तो शायद कम भी दे सकते हैं कुछ डर के कारण ना जाए, क्योंकि 29 तारीख को टेस्ट है, 31 तारीख तक तो आपको पता ही है हिमाचल बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेज सभी बंद हो गए हैं, तो अभी लगेगा पता कि इसमें कितने कैंडिडेट टेस्ट देते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कंडक्टर के बारे में भी, तो एचआरटीसी कंडक्टर में टोटल 60,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, उसमें से रोल नंबर अब कितने कैंडिडेट को अलॉट होते हैं तो मैं आपको जल्दी उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलेगा, धन्यवाद।